सभी मित्रों को राम राम जय श्री और राम। जय श्री राम। मैंने कहा सभी मित्रों को राम राम और ये राम 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 बनी रहे राम सभी राम के राम। साथ, पूरा विश्व राम राम कहे। जय और श्री राम। ये जो यज्ञ हो रहा है ये भी कहते हैं, मैं तो इसको यज्ञ कह रहा हूं, जो ओम गुप्ता जी ने शुरू किया कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये राम की कृपा हुई और संतों ने ये राम चर्चा शुरू की, इसके लिए ओम जी को बहुत बहुत बधाई। और राम की चर्चा में जो जो लोग आए उन सबको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत तहे दिल से उनका आभार प्रकट करता हूं। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। राम हमारे लिए आस्था है, विश्वास है, विचार है, शक्ति है, भक्ति है। राम हमारे रोम रोम के अंदर बसे हुए हैं, तो राम के बारे में क्या कहा जाए। और राम की महिमा जो वो है उसको तो राम खुद नहीं कह पाए, इसीलिए लिखा भी है राम न कह सके नाम गुण गाई, कि राम तो अपने नाम की महिमा को खुद नहीं कह पाए, राम नाम की महिमा इतनी है। इसी प्रसंग में एक बहुत ही प्रचलित मैंने सुना है, वो पंक्तियां कुछ बोल रहा हूं आपको। धरती कहे कि मैं बड़ी, धरती कहे कि मैं बड़ी, फिर तू शेष नाथ के फन पर क्यों टिकी। और शेष नाथ कहे कि मैं बड़ा, फिर तू शिव के गले पर क्यों पड़ा। अरे शिव जी कहे मैं बड़ा, फिर तू कैलाश पर क्यों रहा। कैलाश कहे कि मैं बड़ा, फिर तू रावण के तांडव से क्यों खलबला। राम कहे मैं बड़ा, राम कहे मैं बड़ा, फिर तू राम के और नहीं रावण कहे सॉरी रावण कहे मैं बड़ा, फिर तू राम के तीर से क्यों मरा। राम कहे मैं बड़ा, फिर तू हम सबके हृदय में क्यों बसा। फिर तू हम सबके हृदय में क्यों बसा। राम तो हम सबके हृदय में बसे हुए हैं, रोम रोम में बसे हुए हैं। और बचपन से मैं अपने, क्योंकि मेरे दादाजी बहुत बड़े विद्वान थे, शास्त्री थे, उनके मुंह से मैंने जब जब सुना तो वो ये क्या कहते थे, राम राम कही बारम्बारा चक्र सुदर्शन है रखवाला। सबसे बड़ा जाप राम नाम का जाप है। इन सब भौतिक दैहिक आपदाओं से अगर बचना है तो राम नाम का जाप सबसे बड़ा है। बात बनती है कि राम का नाम जो लोग लेते हैं, राम का नाम खीज में लो या रीझ में लो, राम का नाम अपनी महिमा जरूर दिखाएगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा भी है, तुलसी अपने राम के रीज भजो या खीज, और उल्टो सूदो उपजे खेत परे को बीज। मानव जीवन की जो लीला है वो राम राम से शुरू होती है और उसका जो अंत है वो भी राम राम सत्य होकर चली जाती है। राम हमारे जीवन के जब गर्भ में बालक है तब से राम नाम का जाप घर के अंदर करना कर दिया जाता है और अंत समय तक राम राम करते करते राम राम। अब राम को देखने का नजरिया क्या है? राम को देखने का नजरिया आप किस दृष्टि से देखते हो? एक भाव के रूप में, एक केवल मनुष्य के रूप में देखते हो, एक देव के रूप में देखते हो, या उनको एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में देखते हो? तो हम भारतीय, अधिकांश शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, हम भारत राम को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखते हैं। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण मैं दे रहा हूं कि राम कृष्ण परमहंस, राम भी है कृष्ण भी है। राम कृष्ण परमहंस ने देखने का नजरिया विवेकानंद जी को दिया। उन्होंने पूछा ईश्वर है? उन्होंने कहा है। कहना आप ईश्वर को देखते हो? कहना हाँ मैं देखता हूं। कैसे देखते हो आप?
आप क्या प्रमाण दो? कहते जैसे मैं आपको देख रहा हूं वैसे ही मैं राम को, ईश्वर को देखता हूं। तो ईश्वर को हमारे अंदर बसे हुए रहा, और राम कृष्ण परमहंस के इस वाक्य से विवेकानंद विश्व के अंदर ख्याति प्राप्त की। विवेकानंद जैसा आज कोई नहीं बन पाया। और खुद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, मम माया संभव सब जाना, और जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबते अधिक मनुज मोहि भाए। ये सारी जो दुनिया ये सब मेरी उपजाई हुई है, मेरी ही लीला है, लेकिन मुझे इसमें मनुष्य सबसे अच्छे लगते, सबसे प्रिय हैं। उसके पीछे भी कारण है कि उन्होंने ये ऐसा क्यों कहा। उन्होंने कहा कि मनुष्य के पास जो ये योनियां हैं, उन योनियों में बुद्धि है और बोलने का वरदान है, इस कारण से मुझे मनुष्य सबसे अधिक भाते हैं। और मनुष्य के द्वारा आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ी में राम राज्य छा जाए, सब प्रेम से विश्व बंधुत्व की भावना से रहें, इसलिए मुझे मनुष्य बहुत प्रिय लगते हैं। जबकि राम ने, प्रभु राम ने तो किसी भी जाति को नहीं छोड़ा, सबको साथ लेकर गए हैं। एक पंक्ति है रामचरितमानस में आते हैं, प्रभु प्रभु तरवर कपि डार पर, प्रभु तो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और डार के ऊपर कपि डार पर, तेह कहीं आप समान, दोनों को एक समान दिख रहे। प्रभु ने विभीषण को, अंगद को, गीतराज को, वानर को, सबको एक समान लेकर चले। और राम राज्य जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, जैसा हम होना चाहते हैं, उसके लिए अगर हम सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे तो राम नाम की महिमा का जो आप वर्णन कर रहे हैं, राम ये कहते हैं, राम की महिमा का वर्णन है, हम सब जानते हैं, लेकिन राम के साथ राम के रामत्व को अगर हम धारण करेंगे तो वो महिमा अपने आप हो जाए। हम राम के रामत्व को धारण करें, राम, क्योंकि राम की महिमा जो है वो तीन लोक नहीं, नाम बखाना राम नाम का मरम है आना, तीनों लोकों के अंदर राम नाम की महिमा है। और उस राम की जिसकी उमा रमा पार्वती ये भी उसकी वंदना कर रहे हैं, और राम की वंदना तो खुद भगवान शिव ने की। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में बहुत अच्छा प्रसंग आता है कि पार्वती जी कहती हैं कि आप कैसको व्यक्ति को आप कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल सन्यासी जैसे वेश में है, ये कैसे भगवान हो सकते हैं, मैं इनकी परीक्षा लूंगी। और वो सीता का रूप धारण कर देते हैं और फौरन राम उनको करते हैं। तो राम तो हर जगह है, राम नाम की महिमा का वाल्मीकि रामायण से लेकर तुलसीदास और मैथिली शरण गुप्त ने भी लिख दिया, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए यह सहज संभाव्य है। इतने उदात, इतने मर्यादा पुरुषोत्तम उनका नाम, उनका चरित्र। और आज के संदर्भ में इस गोष्ठी का जो उद्देश्य है, जो ओम जी ने रखा है, वह ये है कि हम राम के रामत्व को धारण करें, हम आपसी राग वैर छोड़कर भाईचारे के साथ रहे, संबंधों को ईमानदारी से निभाएं, परिवार के अंदर, समाज के अंदर, सरकार के साथ, अगर वो ईमानदारी रखते हैं तो राम राज्य है। और राम नाम की महिमा जब तक मानव इस सृष्टि पर है तब तक रहेगी। राम नाम का मैं एक वैज्ञानिक और उदाहरण देकर अपनी बात को खत्म करूंगा। राम नाम के अंदर क्या है, राम के अंदर 27, क्योंकि पंचम वर्ण में पा है 25 आते हैं और यह 27 बन जाते हैं, 27 54 बन जाते हैं, और 54 54 108 राम राम
दोनों बार आ जाता है, वर्ण में आता है। और इसके कहते हैं, इसीलिए कबीरदास जी भी कहते हैं, राम नाम का जो जाप है, करका मन का डार के मन का फेर, कि जो ये 108 बार की जो माला है राम नाम की, और राम नाम का माला जाप करते करते राम की महिमा का ये है कि आपके अंदर के जो काम क्रोध लोभ मोह, ये चार चीजें हैं, ये नष्ट होती हैं, और नर से नरत्व की ओर मनुष्य बढ़ने लगता है। नर से नरत्व आए और हम राम से रामत्व सीखें, इस गोष्ठी का यही उद्देश्य है। और पूरा विश्व आज जिस तरह से घुटने पर बैठ गया, हम अपने कमरे के अंदर भी बैठे बैठे राम राम कहते ही दिन काट रहे हैं। हे प्रभु और राम, इस संकट से बचाओ, और इस राम नाम का जाप ही हमें इस संकट से बचाएगा। इन शब्दों के साथ मैं पुनः ओम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकटते हुए इतने लोगों को राम नाम की चर्चा में शामिल किया है, बहुत बहुत धन्यवाद।